हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मिक्स दाल डोसा। तो देखिए, मैंने ये को बनाने के लिए ले लिए हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून हम लेंगे लाल मसूर की दाल, 2 टेबलस्पून चने की दाल, 2 टेबलस्पून अरहर दाल, 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। अब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। ये देखिए, दाल को मैंने अच्छे से धो लिया। अब हम इसे सोक कर देंगे। देखिए, मैंने इसको सोक कर दिया। इसे कम से कम आप 4 घंटे से लेकर ओवरनाइट तक आप इसे सोक कर सकते हैं। तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए सोक कर रही हूँ। वैसे अब हम देखिए कवर करके रख देंगे। ऐसे हमारी जो दाल थी, ये ओवरनाइट मैंने इसे रखा था और ये अच्छे से सोक हो गई है। तो अब हम यहाँ पर अब हम इसे दूसरे बर्तन में छान देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरे बर्तन लिया है और छन्नी से हम इस पानी को छान देंगे। अब हम इसे एक जार में डालेंगे। ऐसे अच्छे से छान लिए, अब हम इसे एक जार में डालेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे नमक, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के हिसाब से करेंगे नमक, ग्रीन चिली, अदरक ग्रेट कर लिया है मैंने, ये भी इसमें डालेंगे हम। और यहाँ पर हम इसमें लेंगे 1 प्याज कटा हुआ, ये भी हम जार में डाल देंगे। और अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच पानी डाल के इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, बैटर हमारा इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है नॉन स्टिक पैन। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसे हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा पैन को ठंडा करेंगे। इसे हल्के हाथों से घुमाते हुए इस तरीके से फैलाते जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारा जो डोसा है वो टूटे नहीं है। यहाँ पर मैंने ले लिया है घी। इसमें हम 1/2 चम्मच घी इसमें डालेंगे। देखिए, इस साइड से पक गया है, अब इसे हम
दूसरी साइड को फैला देंगे। आइए इसे पलट लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारा डोसा दोनों साइड से तैयार हो गया और अब हम इसे प्लेट में उतार लेंगे। आइए इसे पलट लेते हैं। देखिए हमारा डोसा अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए हमारे डोसे बनकर तैयार हो गया और मैंने यहाँ पर इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ में। आप चाहें तो इसे सांभर के साथ में भी ले सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।